हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमित विहान। आपके लिए लाया हूँ नई वीडियो। और ये फ़्लिपकार्ट की कंपनी है, जो सामने भैया खड़े हैं ये फ़्लिपकार्ट में ही काम करते हैं। और ये थोड़ी इनसे नॉलेज या जानकारी लेते हैं कंपनी के बारे में कैसी है। हाँ भैया, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। हाँ जी, पूछिए। ये कंपनी जो है आपकी फ़्लिपकार्ट की, ये किस तरह की कंपनी है, आपको कैसा लग रहा है काम करके इसमें? ये ई कॉमर्स कंपनी है जी। इसमें जो भी मतलब कंज्यूमर अपना प्रोडक्ट ऑर्डर करता है जी जी, उस ऑर्डर को वो प्लेस करवाते हैं घर पे एड्रेस तक जी। इसमें जो भी मैन्युफैक्चरिंग तो यहाँ पे होती नहीं है, यहाँ पे पैकिंग, स्कैनिंग, बार कोडिंग, ETC वर्क होता है जी जी। और ये कंपनी बहुत बड़े, इसका बहुत बड़ा कैंपस है, बहुत लगभग लगभग 2 किलोमीटर में फैली हुई है जी जी जी। और ये फरूख नगर में है, हरियाणा में जी जी। और मेरी पोस्ट स्टेशन है DEO, डाटा एंट्री ऑपरेटर। ओके जी। इसमें मेरे को काम करके बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा जी। और मैं चाहता हूँ कि मैं इससे भी ऊंची पोस्ट पे पहुँचूँ जी जी जी। काफ़ी स्ट्रगल करनी होगी जी जी। आप चाहो तो मैं आपको कैंपस दिखा दूँ। जी बिल्कुल दिखाओ। ये देखो, यहाँ से ये जो रेड कलर की है, सेफ्टी के लिए जो रेड कलर की ये लगी हुई है ना जी जी, ये पाइपलाइन जी, इससे मतलब कि फायर, आपको पता है आग लग जाए जी तो इस इतनी बड़ी कंपनी में आग बुझाना बहुत मतलब नामुमकिन सी बात है जी जी। तो ये कंपनी में आग बुझाने के लिए फायर की वो लगाई हुई है पाइपलाइन जी। इसमें CO2 गैस है जी, जिससे कि आग को वो बुझा देते हैं जी जी। और ये देखो इतना अच्छा कैंपस है, और ये देखो इतनी साफ सफाई, इसमें रोड पे एक वो भी नहीं मिलता, एक बिल्कुल क्लीन है जी 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 जी। और अंदर जाके जैसे अपन देखते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग में आप देखोगे वेयर हाउस में भी बिल्कुल क्लीन है जी, एकदम जी बहुत अच्छा है। लेकिन कई बार क्या है, इसमें वो एक काम खराब कर रखा है इसने जी जी। बताइए, ये टेंडर दे रखे हैं मतलब कि इनको जी, ये वेंडर होते हैं ना जी जी जी, जैसे मर्लिन का है, हाँ जी, एंटरप्राइजेस का है, हाँ जी हाँ जी, इनको जो इनको दे रखा है टेंडर। टेंडर नहीं देखे, अगर डायरेक्टर ऑन रोल ले और एजुकेशन के हिसाब से पोस्ट मिले जी जी। यहाँ पे अंदर क्या है, यहाँ पे 12 से 23 दिखते हैं अच्छी कंपनी है, लेकिन अंदर जाते हैं तब पता चलता है कि अंदर मतलब कि DEO की पोस्ट में जो है जी, वो बंदा एक तो 10th पास भी DEO है जी, एक ग्रेजुएट बंदा भी DEO है जी जी जी। और उनसे काम करवा रहे हैं CEO का जी जी, एंट्री ऑपरेटर जी जी। मतलब कि ये नहीं है कि जिसकी DEO की पोस्ट है वो सिस्टम पे काम करेगा जी जी जी, ऐसे थोड़ा सिस्टम बिगड़ा हुआ है जी जी। मेरी सबसे अपील है, जो फ्लिपकार्ट के ओनर है जी, उनसे अपील है कि वेयर हाउस, ये फरूख नगर वाले वेयर हाउस में जी, ये वेंडरशिप से हटा के और डायरेक्ट रिक्वायरमेंट निकाला जाए जी 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 जी, बस यही होना चाहिए जी। हाँ देखो जी। फ्रेंड्स, इसमें भैया बोलना चाह रहे हैं, जो ग्रेजुएशन लड़के हैं वो भी वही काम कर रहे हैं, जो 10वीं पढ़े हुए हैं वो भी वही काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो है पोस्ट दे दी गई है DEO की, लेकिन असिस्टेंट थे ना वो, हाँ, असिस्टेंट का काम उनसे करवाया जा रहा है, असिस्टेंट वाला काम उनसे ग्रेजुएशन वाला लड़कों से करवाया जा रहा है, ये ठीक नहीं हो रहा, थोड़ा सा सिस्टम बिगड़ा हुआ है। बाकी कंपनी जो है बहुत अच्छी है, साफ सफाई भी बहुत अच्छी है, यहाँ की सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी है और यहाँ का स्टाफ भी अच्छा है, लेकिन बस थोड़ा सा सिस्टम बिगाड़ रखा है। और दूसरी बात ये भी है कि कंपनी ठेकेदारी के थ्रू ही लड़कों को ले रही है, ये भी गलत है, क्योंकि जो लड़के ग्रेजुएशन है, पढ़े लिखे हैं और टैलेंटर हैं, तो उन्हें ठेकेदारी से ना लिया जाए, सीधा कंपनी अपनी तरफ से ले ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये आप देख सकते हो, ये इतनी बड़ी कंपनी है और साथ में ये बस भी है, ये जो वर्करों को रोज़ ले जाना और लाने का काम करती है, ये ट्रांसपोर्ट गाड़ी है, इसी में से जो आप ऑर्डर करते हो ऑनलाइन, यहाँ से ये गाड़ी में पैक होकर के ये चला जाता है ट्रांसपोर्ट में, ये फिर आपका जो भी सामान होता है आपके एड्रेस पे पहुंच जाता है। थैंक यू, धन्यवाद। ये कुछ देख रहे होंगे, ये स्टाफ है, ये स्टाफ देख रहे होंगे आप, ये स्टाफ अपनी ड्यूटी पूरी कर कर के घर जाने की घर जा रहे हैं। फ्रेंड्स, वैसे तो बहुत अच्छा है यहाँ पे, वातावरण भी बहुत अच्छा है, सुविधा भी ज़्यादा अच्छी है, फैसिलिटी भी अच्छी है, बट क्या है, बस थोड़ा सा इन्होंने हिसाब थोड़ा सा बिगाड़ रखा है। और फ्रेंड्स, मैं तो यही कहना चाहूँगा, जो भी आप जॉब करते हो या कुछ भी ठेकेदारी में ना करके सीधा कंपनी के थ्रू जुड़े, तो आगे के लिए आपका रास्ता भी खुल सकता है। कंपनी बहुत अच्छी है। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, फिर मिलूँगा अगली वीडियो में। थैंक यू, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।